workshop. और अब अगली कैटेगरी जो है वो है नजीर और सब्सिडी, और इसमें नजीर अहमद बानी साहब वनपुरा से हैं और शीर अहमद सुंबल पाड़ीपुरा का. और अब जो आपके लिए तैयार किए हैं बात नहीं है, मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने करी है. और केवल एप्पल नहीं, अभी चंद दिनों पहले सैफरन के लिए भी इसी तरह का आयोजन हुआ था, और आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं. अभी GDP में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे, और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं. मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर होगा, खासतौर से हॉर्टिकल्चर. अनेक प्रकार के कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, उन्हें बदला गया है और कई स्कीम्स भी शुरू हुई हैं. और मैं विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर प्रकार की सहायता दी है कृषि और हॉर्टिकल्चर डेयरी को आगे बढ़ाने में. हाल ही में जो नुकसान हुआ था ऑर्चर्ड्स का, हमने उसे स्टेट नेचुरल कैलमिटी घोषित कर दी है और उनका असेसमेंट करा रहे हैं. पूरी मदद की जाएगी किसानों को जो नुकसान हुआ है.